खबर रीवा से है, जहां घर से विद्यालय जा रहे शिक्षक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। शिक्षक सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गरड़िया मोड़ में रहने वाले थे और रामपुर नईकिन थाना क्षेत्र में पदस्थ थे। सुबह बाइक से जैसे ही शिवपुरा चौकी के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रहे डंपर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए जोरदार टक्कर मार दी। शिक्षक जयराम प्रसाद साकेत बताए जाते हैं। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची और आनंद फानन में उपचार के लिए संजय गांधी पहुंचा दिया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस उक्त डंपर को जब्त कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि वह अपने ड्यूटी में जाते समय सड़क दुर्घटना का शिकार हुए हैं। आइए सुनते हैं परिजनों ने क्या कहा। यहाँ से गड़रिया में इनका निवास था और यहाँ से जा रहे थे ड्यूटी। सिपुरवा चौकी के पास जैसे पहुँचे, वहाँ सामने से एक डंपर आ रहा था, वही मार दिया टक्कर बड़ी तेजी से और इस पाटे में वो खत्म हो गए। क्या नाम है? उनका नाम है जयराम प्रसाद साकेत, उनके पिता का शंभू प्रसाद नाम साकेत नाम है और वो रामपुर में ड्यूटी करते थे, शिक्षक थे। ये अभी रीवा में वर्तमान में गड़रिया में रहते थे। अब वैसे उनका गांव जो है तो मढ़ा है, रामपुर। 45 साल के लगभग थी। नहीं, डंपर मिल गया है, थाने है ना, ये पुलिस वाले सब साथ में है, वहीं पुलिस चौकी के पास ही घटना घटी है।